Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Viren Singh and in this video tutorial I am going to discuss about the part 3 problem, part 3 of the DNA quick revision replication. Okay, so DNA replication ka quick revision hum discuss kar rahe the, jiske bare mein part 3 video hai, to baat karte hain, ek summary ke taur pe chalte hain. आपके लिए बताया था कि ओराई रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रोकैरियोट में डीएनए ए चाहिए, उसके बाद ओराई रिकॉग्नाइज करने के बाद डीएनए बी जो आता है वो क्या आएगा, आने के बाद इसको हेलिक्स को ओपन करेगा. हेलिक्स देखिए यहाँ पे ओपन हो गया. ओपन होने के बाद सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करके इनके रीवाइंडिंग को प्रिवेंट करेगा. ओपन द स्ट्रैंड एंड द रीवाइंडिंग को प्रिवेंट करने के बाद एसएसबी बाइंड हुआ. बाइंड होने के बाद आपका क्या आएगा, प्राइमेज आएगा, डीएनए जी जो कि प्राइमर के सिंथेसिस करेगा. प्राइमर के सिंथेसिस करने के बाद ये प्राइमर आपके 3' OH को प्रोवाइड करता है. प्राइमर आपके 3' OH को प्रोवाइड करने के बाद अब किसका काम है, अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड. डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा प्राइमर के साथ बाइंड करके. यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड साथ में एक जो प्रोकैरियोट में रिप्लिकेशन होता है दैट इज बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन, जिसकी वजह से जो टाइम लगता है वो आपका कम लगता है. इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन जीनोम साइज छोटा होता है, तो एक पॉलीमरेज की यूनिट इस तरीके से चलती रहेगी दूसरे डायरेक्शन में, दूसरा पॉलीमरेज दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चलते रहते हैं. और डीएनए हेलिकेज का मूवमेंट भी 5' to 3' डायरेक्शन में होता है और टोपो आइसोमरेज सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे चलता रहता है. डीएनए पॉलीमरेज मूव करता रहेगा 5' to 3', लीडिंग और लैगिंग सिंथेसिस करता रहेगा, करते करते ये अपना चलता चला आएगा, इलांगेशन चलता रहेगा, Mg2+ डिपेंडेंट होगा और टोपो आइसोमरेज आगे आगे चलता है ताकि सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट कर सके. ठीक है, तो ये चलते चलते फिर टर्मिनेशन, जैसे ही टर साइड पे टस प्रोटीन बाइंड किया, इस टर साइड पे टस प्रोटीन बाइंड किया, बाइंड करते ही क्या होगा, डीएनए बी के मूवमेंट को ब्लॉक कर दिया जाता है. जैसे डीएनए बी का मूवमेंट ब्लॉक होगा रिप्लिकेशन टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है, तो रिप्लिकेशन जो होता है वो आपका टर्मिनेट कर दिया जाता है. तो चलिए, दिस इज द रिप्लिकेशन इन द प्रोकैरियोट्स जो कैसे आपका होता है. टॉकिंग अबाउट सम अदर फिनोमेना जो कि डीएनए रिप्लिकेशन में पूछा जाता है कभी कभी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी. व्हाट इज द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, अगर प्रूफ रीडिंग की बात करें तो प्रूफ रीडिंग के लिए जो एक्टिविटी चाहिए वो 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस चाहिए, क्योंकि आपकी सिंथेसिस होती है 5' to 3' डायरेक्शन में रिप्लिकेशन की. और अगर इसी डीएनए की आपकी प्रूफ रीडिंग करनी तो आपको पीछे से एक एक न्यूक्लियोटाइड करके चेक करते हुए आना पड़ेगा इनिशियल तक कि प्रूफ रीडिंग कैसे, न्यूक्लियोटाइड कोई गलत तो ऐड नहीं हुआ है. तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के लिए 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी चाहिए बाई द डीएनए पॉल 1. प्रोकैरियोट की बात करें तो ये डीएनए पॉलीमरेज 1 परफॉर्म करता है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट. बट इन द केस ऑफ यूकैरियोट पॉलीमरेज एप्साइलन और पॉलीमरेज डेल्टा जो होता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करता है. एंड प्राइमर रिमूवल की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द प्राइमर रिमूवल देन इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स पॉलीमरेज 1 परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द प्राइमर रिमूवल. ठीक है, पॉलीमरेज 1 जो होता है वो एक्शन परफॉर्म करता है किसका, प्राइमर रिमूवल का. इट हैज़ द एक्टिविटी ऑफ 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो डीएनए के एक साइड से कट करता रहेगा. ठीक है, चाहे 5' एंड से चाहे 3' एंड से. तो 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस जो एक्टिविटी होते हैं वो क्या, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्राइमर रिमूवल के लिए होते हैं और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आपके डीएनए पॉलीमरेज 1 जो कि प्रूफ रीडिंग के लिए होते हैं. इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट चाहे प्रूफ रीडिंग हो चाहे प्राइमर रिमूवल हो, दोनों काम कौन करता है, पॉलीमरेज 1. लेकिन यूकैरियोट में किसी भी पॉलीमरेज के पास ये 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती ताकि वो प्राइमर का रिमूवल कर सके. इसलिए यहाँ पे दो एंजाइम यूज होते हैं, एक RNH और FEN जिसको बोलते हैं फ्लैप इंडोन्यूक्लियस. FEN का काम होता है इंडोन्यूक्लियस, नाम में ये फ्लैप इंडोन्यूक्लियस, और RNH का काम क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस. ये कैसा होता है, एक्सोन्यूक्लियस होता है. और कौन सा होगा, ऑब्वियसली बात है 5' to 3', क्योंकि यही एक्टिविटी प्राइमर रिमूवल के लिए आपको चाहिए. ठीक है, तो यही एक्टिविटी आपको प्राइमर रिमूवल के लिए जब चाहिए तो यही एक्टिविटी RNH शो करता है इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स. पहले इनिशियली RNH आके एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से प्राइमर को रिमूव करता है, फिर फ्लैप इंडोन्यूक्लियस आके उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है. ठीक है, तो इन द केस ऑफ यूकैरियोट RNH एंड द FEN इज यूज्ड
for the primer removal. Okay, now so this is the some processes: proofreading activity, primer removal. एक टर्म आपने सुना होगा टीलोमियर रिप्लिकेशन के बारे में. तो टीलोमियर इज द एंड ऑफ द डीएनए, जिसमें कि क्या होता है प्राइमर रिमूव करने के बाद वहाँ पे डीएनए की रिप्लिकेशन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे थ्री प्राइम ओएच जो ओका जाके फ्रैगमेंट्स का आपके प्राइमर रिमूव करने के बाद थ्री प्राइम ओएच प्रोवाइड करने वाला कोई नहीं होता. तो उस टीलोमियर को रिप्लिकेट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं टीलोमेरेज. इसका नेचर जो होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नेचर का होता है. रिकॉग्नाइज द जी रिच सीक्वेंसेस, और किस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है? TTAGGG. ठीक है, इस सीक्वेंस को टीलोमेरेज, एक स्पेसिफिक कॉन्सेंसस या कंजॉर्ब सीक्वेंस है जिसको कि टीलोमेरेज रिकॉग्नाइज करता है. टीलोमेरेज रिकॉग्नाइज करेगा और रिकॉग्नाइज करने के बाद टीलोमेयर की रिप्लिकेशन करेगा 5' to 3' डायरेक्शन में. टीलोमेरेज अपना प्राइमर खुद लेके आता है. टीलोमेरेज एंजाइम में अपना प्राइमर ये खुद लेके आता है, इसको किसी प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती. ये आपके क्या करेंगे, टेम्पलेट डिपेंडेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि इनके लिए ये सीक्वेंस चाहिए, उसके बेसिस पे ये विदाउट प्राइमर अपना प्राइमर खुद लेके आते हैं और सिंथेसाइज करते हैं टीलोमियर एंडिका. एक रिप्लिकेशन होता है डी लूप रिप्लिकेशन, जो कि पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में. इसको डिस्प्लेसमेंट लूप रिप्लिकेशन भी बोलते हैं. पॉलीमरेज गामा इज इन्वॉल्व इन द डी लूप रिप्लिकेशन. जो गामा होता है वो डी लूप रिप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है. ट्विंकल हेलिकेज यूज होता है यहाँ पे. जिस हेलिकेज जो यूज होता है उसको बोलते हैं ट्विंकल हेलिकेज. और माइटोकॉन्ड्रियल जो रिप्लिकेशन होता है उसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और एक स्ट्रैंड को बोला जाता है एच स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड को बोला जाता है एल स्ट्रैंड. एच का मतलब हैवी स्ट्रैंड या आपका लीडिंग स्ट्रैंड होता है. एल का मतलब दैट इज द लाइट स्ट्रैंड, और उसको बोला जाता है लैगिंग स्ट्रैंड इन द केस ऑफ डी लूप रिप्लिकेशन. सो दिस इज द सम रिप्लिकेशन मैकेनिज्म इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एज वेल एज टीलोमियर रिप्लिकेशन, जो कि यूकैरियोट में पाया जाता है, एंड डी लूप रिप्लिकेशन आपका पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में. नाउ टॉकिंग अबाउट द डीएनए पॉलीमरेजेस इन द यूकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट्स. अगर हम डीएनए पॉलीमरेजेस की बात करते हैं, ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो आपके लिए यूकैरियोट में पॉलीमरेज 5 तरीके के होते हैं. कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन. अल्फा के पास पॉलीमरेज एक्टिविटी सबके पास होती है. अल्फा, बीटा, गामा, ये 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी है जो कि डीएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सब में होता है. 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो कि ये किसके लिए होता है? प्रूफ रीडिंग के लिए. ये होता है प्रूफ रीडिंग के लिए, जो कि पॉलीमरेज अल्फा और बीटा में नहीं होता. और 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किसके लिए होती है? प्राइमर रिमूवल के लिए. ये होता है प्राइमर रिमूवल के लिए. ये आपके किसी भी पॉलीमरेज में नहीं है. अगर आप देखेंगे कि प्राइमर रिमूवल किसी भी पॉलीमरेज में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे यूकैरियोट में हमें आरएनएच, एच और FEN की जरूरत पड़ती है, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है. तो पॉलीमरेज ए का फंक्शन होता है प्राइमर फॉर्मेशन, पॉलीमरेज बी का फंक्शन होता है बेस एक्सिजन रिपेयर में यूज होता है, गामा जैसा कि आपको बताया माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लिकेशन, डेल्टा यूज फॉर द लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, एंड एप्सिलॉन इज यूज फॉर द लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डीएनए पॉलीमरेज इन द केस ऑफ यू प्रोकैरियोट्स, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहां पे देखने की कोशिश करिएगा. प्रोकैरियोट्स के केस में पॉलीम आपका एंजाइम जो होता है, ठीक है, एंजाइम 5 तरीके के एंजाइम्स होते हैं डीएनए पॉलीमरेज, 1, 2, 3, 4, 5. 1 का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक सब यूनिट का बना होता है, 5' to 3' पॉलीमरेज होता है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिव प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है. सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा पॉलीमरेज है जिसके पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है. तो ये डीएनए रिपेयर, प्रूफ रीडिंग, प्राइमर रिमूवल में भी यूज होता है. डीएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है, ये आपके पास, इसके पास 5' एक्सो नहीं है, ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी 3' एक्सो है, 3' to 5'. और पॉलीमरेज एक्टिविटी तो सबके पास है. ये असिस्ट करता है किसको? ये असिस्ट करता है पॉलीमरेज 3 को. पॉलीमरेज 3 जो होता है 10 यूनिट का बना है, पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, और इसके पास 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, लेकिन 5 to 3 नहीं होता. ये मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम है,
और फोर्थ एंड फिफ्थ जो होते हैं ये वाई फैमिली पॉलीमरेज है जो कि एरर प्रोन रिप्लिकेशन के लिए होते हैं, एरर प्रोन रिप्लिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं फोर एंड फाइव। सो दीज आर द रिप्लिकेशन इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये क्विक रिवीजन रहा आपके कंप्लीट तीन पार्ट्स में, कैसे आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं डीएनए रिप्लिकेशन को, कि कैसे आप समझ सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मज़ा आया हो तो आप इसी तरीके से वीडियो लेसन्स लाइव पढ़ सकते हैं मुझसे अनअकैडमी प्लस पे, आई अनअकैडमी प्लस पे। लाइव और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, लेसन्स बाई ऑल टॉप एजुकेटर्स। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मुझे एक्सेस कर पाएंगे, सबको एक्सेस कर पाएंगे। वीकली क्विजेज एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली क्विजेज एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके पास होते हैं। और रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, दैट इज़ VIREN, ये आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा, तो रेफरल कोड जरूर यूज़ करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, IIN Academy Plus पे और लाइव पढ़िए मेरे साथ और क्लियर करिए CSIR एग्जामिनेशन को। थैंक यू वेरी मच।